हाय दोस्तों, मैं राहुल। मैं हमेशा अपने वीडियो में एक नए प्लांट को एक्सप्लेन करता हूँ। आज फिर से मैं एक प्लांट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, और वो जो प्लांट है वो ये है। ये एक वीड प्लांट है, तो सोचा आज एक वीड प्लांट को एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, सो चलो देखते हैं इसका साइंटिफिक नेम क्या है। इसका साइंटिफिक नेम है ट्राइडेक्स प्रोकुम्बेंस। अच्छा, ट्राइडेक्स जीनस है, प्रोकुम्बेंस स्पीसीज है। प्रोकुम्बेंस का मतलब क्या होता है? प्रोकुम्बेंस का मतलब होता है कवरिंग द ग्राउंड। सो ये जो प्लांट है ना, ये ग्राउंड पे काफ़ी फास्ट ग्रो होते हैं, पूरा ग्राउंड कवर करते हैं। इसके लिए इनके स्पीसीज का नाम है प्रोकुम्बेंस। ठीक है, तो चलो अब कुछ कॉमन नेम देखते हैं। तो इसका कॉमन नेम है ट्राइडेक्स डेजी, मैक्सिकन डेजी, बिकॉज ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज है, वहाँ का नेटिव्स है। ओके, तो इसको मैक्सिकन डेजी भी कहते हैं, और इसको कोट बटन भी कहते हैं, बिकॉज ये बटन की तरह ये फ्लावर्स दिखते हैं, तो कोट बटन भी कहते हैं। और इसका जो संस्कृत में नाम है वो है जयंती वेदा, हिंदी में इसको घामर कहते हैं, बंगाली में इसको कानफुली कहते हैं, मलयालम में चीरवनक कहते हैं, और फिर गुजराती में परदेसी घामर कहते हैं, मराठी में बंदूकीचे फूल कहते हैं। तो इस तरह से ना इसके काफ़ी सारे नाम है। ठीक है, तो चलो अब इस प्लांट को थोड़ा मॉर्फोलॉजी डिस्क्राइब करता हूँ। तो ये नॉर्मली इस प्लांट की जो हाइट होती है ना, वो 20 से 70 सेंटीमीटर तक की होती है, मतलब 22-70 सेंटीमीटर। और इसका जो फ्लावर्स है, ओके, इसके फ्लावर्स को ज़रा ध्यान से देखोगे आप तो आपको दिखेगा सेंटर में येलो कलर है और बाहर वाइट कलर है। जो येलो कलर है वो छोटे छोटे फ्लोरेट्स है, तो उनको कहते हैं डिस्क फ्लोरेट, और जो बाहर जो वाइट कलर के सनरेज की तरह दिख रहा है वो है रे फ्लोरेट। ठीक है, अच्छा, इनके जो पॉलिनेटर है वो नॉर्मली बटरफ्लाई होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पॉलिनेटर है वो बटरफ्लाई है, तो लो फ्लाइंग बटरफ्लाई हो गया, बीटल्स हो गया, ये सब इसके पॉलिनेटर है। तो मैं यहाँ पर आपको पॉलिनेटर दिखा रहा हूँ। ठीक है, और ये बटरफ्लाई यहाँ से भाग भी नहीं रही है, वो बिजी है इसका जूस पीने में फ्लावर का। ठीक है, फाइन। तो फिर हाँ, अभी मैं इसके बारे में आपको कुछ और चीज़ें भी बताता हूँ कि इसका जो एक प्लांट है ये कम से कम 1500 से 2000 सीड बनाता है, और इसके सीड इतने छोटे होते हैं कि वो हवा में उड़ के डिस्पर्स होते हैं, वो एयर में फ्लाई होकर डिस्पर्स होते हैं। और एयर में फ्लाई इसके लिए होते बिकॉज इसमें इसके सीड में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो उसको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। और जब सीड ज़मीन पर गिरता है तो वही हेयर्स सॉइल से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, सीड जर्मिनेशन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब मैं इस प्लांट के बारे में आपको और भी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि ये जो प्लांट है ये वीड प्लांट है। ऑलमोस्ट अगर आप एग्रीकल्चर में बात करोगे तो एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में 31 क्रॉप्स के लिए ये एक वीड स्पीसीज है, स्पेशली जूट। ठीक है, और फिर ये आपको हर जगह पे ग्रो होते हुए देखोगे। ठीक है, अभी ये जगह तो इस तरह है और यहाँ पे भी ये ग्रो हो रहा है, ये रेलवे ट्रैक के आसपास भी आपको ग्रो होते हुए दिखाई देगा। ये ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में मिलेगा, टेम्परेट कंट्रीज़ में भी मिलेगा, ये सब जगह मिलेगा। ठीक है, और फिर अच्छा, मैं इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूँ। तो आयुर्वेदा हो गया, या यूनानी मेडिसिन है, या ट्राइबल मेडिसिन है, या फोक मेडिसिन है, उन सभी में इस प्लांट का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टी का उल्लेख मिलता है। तो ये देखा गया है ना कि बेसिकली कुछ ट्राइबल लोग इस प्लांट को एज ए एंटी ऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं, बिकॉज इसमें जो अल्कलॉइड्स है, फ्लेवेनॉइड्स है, वो एंटी ऑक्सीडेंट, उनकी प्रॉपर्टी एंटी ऑक्सीडेंट है। ठीक है, और फिर लिवर हेपेटाइटिस के केसेस में भी इस प्लांट का यूज़ किया जाता है, इसके लीफ के एक्सट्रैक्ट का यूज़ किया जाता है, बिकॉज ये देखा गया है कि जो एस्पार्टेट ट्रांसफरेज होता है, एलालाइन ट्रांसफरेज होता है, गामा ग्लूटामाइन ट्रांसफरेज होता है, और जो बिलिरुबिन्स होता है उसका जो सीरम में जो लेवल होता है उसके लेवल को ये रिड्यूस करता है। तो मतलब ये हेपेटो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी भी प्रोवाइड करता है। ओके, सो अब हेपेटोप्रोटेक्टिव इसके लिए है बिकॉज इसमें विशेष प्रकार के फ्लेवेनॉइड्स है और सैपोनिन्स है। ठीक है, अच्छा, ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, क्योंकि देखा जाता है ना हेमरॉइड्स के जो वुंड होते हैं उसके स्वेलिंग को कम करता है, पेन को कम करता है, फीवर को कम करता है ये। ठीक है, तो ये बेसिकली इसमें होता क्या है कि ये देखा गया है कि जो इन्फ्लामेटरी मार्कर होते हैं, जैसे कि हिस्टामाइन है, सेरोटोनिन है, ब्रैडिकाइनिन है, प्रोस्टाग्लैंडिंस है, वो इन्फ्लामेटरी मार्कर की जो एक्टिविटी है उसको इनहिबिट करता है। ठीक है, और इसमें कुछ केमिकल्स है जैसे कि सेंट्रा यूरिन, ओके, ये जो केमिकल्स है, इसके अलावा ये और बर्जिनिन, ये जो केमिकल्स है ये कॉक्स 1 कॉक्स 2 इनहिबिटर है,
और इसमें क्वासर्टीन नाम का जो केमिकल है वो एंटी इन्फ्लामेटरी और एनर्जेसिक प्रॉपर्टीज प्लांट को प्रोवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, और ये भी देखा गया है ना कि एंटी आर्थराइटिस भी काम करता है ये, कि आर्थराइटिस मतलब जो बोन्स जो जॉइंट्स जो जॉइंट्स में जो बोन के जॉइंट्स में जो पेन होता है, जो इन्फ्लामेशन होती है, ये उसको भी कम करता है, ठीक है। अच्छा, ये भी देखा गया है ना कि ये डायबिटीज़ के केस में भी काम करता है, ओके, बिकॉज इसमें केमिकल होता है ट्राइहाइड्रोक्सीऑक्साइड, वो एक्टिव कंपोनेंट होता है इन केस ऑफ ट्रीटिंग द डायबिटीज़। ये बीटा सेल को रीजनरेट करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोनाइसिस को इनहिबिट करता है, तो इस तरह से एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी भी इस प्लांट की है। और ये भी देखा गया है कि ये वुंड अगर इसके जो पत्ते के लेप बनाए और वुंड पे लगा दो तो ब्लीडिंग भी बंद होती है और वुंड भी हील होता है, बिकॉज ये कोलाजन फाइबर के टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, ठीक है। ये भी देखा गया है कि ये इन केस ऑफ टैकीकार्डिया हार्ट बीट को लो करता है, ब्लड प्रेशर को भी लो करता है, तो ये भी इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। अच्छा, जहाँ पर भी आपके इंटेस्टिनल जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम होते हैं, मतलब जहाँ पे बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से डायरिया डिसेंट्री होता है, वहाँ पे भी ये काम करता है। इसका जो एक्स्ट्रैक्ट लेके पियो तो वो बेसिकली ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों को किल करता है, बिकॉज इसमें जो केमिकल होते हैं एपिजेनिन है, ठीक है, टैनिन्स है, सेपोनिन्स है, फ्लेवोनॉइड्स है, जैसे कि क्वासर्टीन है और एपिजेनिन है, और तो ये जो केमिकल्स है कैम्पाफिरॉल है, तो ये जो केमिकल्स है ये एक्चुअली बैक्टीरिया को किल करते हैं। इसके लिए डायरिया डिसेंट्री गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम में इसको लिया जाता है, ओके। और ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर भी है, बिकॉज ये देखा गया है ना इसमें जो सेस्क्यूटर्पिन लैक्टोन मिलते हैं इस प्लांट में, वो इम्यूनो मॉड्यूलेटर का काम करते हैं, वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को इंड्यूस करते हैं, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को इंड्यूस करते हैं, सो ये सब इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, ठीक है। और फिर ये एक्चुअली इसके जो पाउडर है, इसके जो पाउडर बनाते हैं इसके फ्लावर्स के ये और लीफ के, ये एक्चुअली यू नो जो हैवी मेटल्स है उसको भी ये एब्जॉर्ब करता है, तो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, तो ठीक है। अब इसके लास्ट में इसके बारे में एक बात बता रहा हूँ आपको कि ये फ्लावर एक्चुअली किस चीज़ का सिंबल है, तो ये जो फ्लावर है वो यू नो द लॉयल लव जेंटलनेस इनोसेंस इसका सिंबल है। सो मुझे आप लोगों से ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करके अच्छा लगा। मैं आने वाले वीडियो में और भी प्लांट्स आपके लिए एक्सप्लेन करूँगा। Thank you very much. Thanks a lot.